पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में भी इसी चैप्टर के दो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। चलिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। देखिए हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर और कौन के बारे में समझा था। ये इसके फॉर्म्स हैं, आप पिछली वीडियो को देखकर इसके पॉइंट्स को समझ सकते हैं, इसके फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि हमने क्या बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम डिस्कस करेंगे। अपना 3 के क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक खिलौना दे रखा है जो 3.5, जिसकी रेडियस है, रेडियस 3.5 है, यानी शंकु की रेडियस और खिलौने की रेडियस सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खिलौना रेडियस 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी रेडियस वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए दो इसमें फॉर्म है, ये शंकु अलग है, ये यहाँ तक है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, और आधा गोला अलग है। दोनों की रेडियस इन्होंने 3.5 देखी है। इस रेडियस और दोनों की टोटल ऊंचाई 15.5 है। अब देखिए गोले के अंदर एक खास बात ये होती है, गोले के अंदर खास बात रेडियस जितनी होती है उतनी गहराई होती है। जैसे रेडियस आपकी यहाँ सोचते हैं यहाँ है, ये आपकी 3.5 है यहाँ तक, तो इसकी गहराई भी 3.5 ही होगी यहाँ तक, ठीक है, इसकी गहराई भी 3.5। अब शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लिखना सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई इज इक्वल टू 15.5 में से आप 3.5 को घटा दो, कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3.5। सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर एल तो है नहीं हमारे पास, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल नहीं है तो एल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर एच हमारा 12 है, आर हमारा 3.5 है, बारह का वर्ग 144 और ये हो जाएगा 12/25, ठीक है, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं होगा, इस होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25.4 × 2=6 5 15 625 L²
तो यहाँ पर एल बराबर अंडर रूट 15625, 1 दशमलव हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। 15625 के फैक्टर करो, 5 हो गए, 5 से देंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचम 25, फिर 5 से, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंचम 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचम 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचम 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 पंचम 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, टोटल 5 कितने आए, ये आए, यानी 6 5 आए, यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 बट्टे 10, ठीक है। ये आपका हो गया 125, 1,250, यानी हमारे पास एल की वैल्यू 1,250 आ गई, ठीक है। एच आपका हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और आर हमारे पास 3.5 है, ठीक है। अब हम शंकु का सबसे पहले देखिए, खिलौने का यहाँ पर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल यहां पर निकालेंगे बराबर, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, या ऐसा करो पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, पाई रखो। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। एल की वैल्यू है 1,250, ठीक है। 1,250 का 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए भाई मल्टीप्लाई यहाँ पर 1,250 और 3.5, मल्टीप्लाई 25, 5 दूनी 10, 25 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, कैरी 1, 5 और 1 6, क्रॉस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, ये आया 5 7 13, ये 43.75 आ रहा है इसका, 43.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी सिर्फ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला है, ठीक, सिर्फ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है यहां पर, तो इसमें
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 43.75। ठीक है, अब क्या है आपका अर्धगोला। अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर टू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू इकट्ठी, पाई और रेडियस हमारी 3.5 थी, तो ये हो जाएगा आपका 2 × पाई 3.5 गुणा 3.5। ठीक है, तो 35 दूनी होते 70 गुणा 3.5 पाई, ये हो जाएगा 7 × 5 35, 7 × 3 21 और 3 24 पाई cm². ठीक है, देखिए, एक आपका आया है 43.75 पाई और दूसरा आया है 24.5 पाई। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर खिलौने का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 43.75, ये जो लिखा है 43.75 पाई, और अर्धगोले का है 24.5 पाई। ठीक है, यहां पर 43.75 और 24.5 दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 2 6, ये आपका हुआ 68.25 पाई। ठीक है, दो पांच पाई हो गया। अब यहां पर 68.25 गुणा 22/7, 7 को इससे काटेंगे, 7 × 63, 7 × 63 5 बचे 52 हो गए,
बावन दशमलव लगाया, 7 सत्ते 49, 3 बजे 7 पंजे 35, 9.75 × 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मल्टीप्लाई आए वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। यहाँ देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर समझिए, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक खिलौना है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंक्वाकार के आकार का है, जो उसी रेडियस वाले एक अर्ध अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, शंकु की ऊंचाई है 15.5, टोटल ऊंचाई 15.5 है, हमने उसमें से अर्ध गोले की ऊंचाई घटा दी 3.5, इजुकल टू आया 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। अब जो खिलौ शंकु शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर है। तो पाई आर को निकालने के लिए, एल को निकालने के लिए, सबसे पहले एल स्क्वायर इजुकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 156.25। एल बराबर 5 × 5 × 5 / 10, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल 12.5 सेंटीमीटर है, एच आपका 12 है, आर आपका 3.5 है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल रखा हमने, 43.75 आया। फिर नेक्स्ट में अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr² होता है, गोले का क्षेत्रफल अर्ध गोले का होता है 2 πr², तो यहाँ रखा 2 × π × 3.5² तो ये आपका हो गया 2 × π 3.5, ये आपका निकल आया। ठीक है, 9.75 × 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 214 आ जाएगा, 214.5 आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर बताएं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।